यूपी के गोरखपुर में बीच सड़क पर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से कई घंटे तक आवाजाही प्रभावित रही। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और साइकिल के बीच पहले जोरदार टक्कर हुई और इस भीषण टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई और थोड़ी ही देर में बाइक आग में पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास इसकी लपटें उठती नजर आ रही थी। आनन फानन में लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग में बाइक घिर चुकी थी। इस बीच आग लगने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक इंतजार करते रहे। बताया गया कि साइकिल में सवार लड़का सड़क पार कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल और साइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल और साइकिल सवार दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि वो पाकिस्तान में ही है, जिससे जुड़ी रिपोर्ट की कॉपी न्यूज 18 के हाथ भी लगी, जिसमें दाऊद के कराची में होने का जिक्र है। ये भी है कि कराची में क्लिफ्टन के पास एक सेफ हाउस में आईएसआई अधिकारियों और दाऊद के बीच एक ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बैठक हुई। इस बैठक में दाऊद को आईएसआई ने भारत में अंडरवर्ल्ड का जाल फैलाने और तबाही मचाने का हुक्म दिया। खबर है कि भारत में अपना नेटवर्क ध्वस्त होने से वो बौखलाया हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। तो वहीं आग लगातार विकराल होती जा रही थी और देखते ही देखते हर तरफ फैलती नजर आई।